केएल लाइव में आपका स्वागत है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि 8 दिसंबर को किसानों के समर्थन में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में भारत बंद बुलाया गया है। जो खबरें हैं, जो इनपुट है, उसके मुताबिक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में व्यापक असर है इस बंद का। झारखंड में मिला जुला असर है। आप देख रहे हैं इस वक्त बोकारो का ये नया मोड़ का इलाका है। अगर ट्रैफिक की स्थिति आप देखें तो आप कह सकते हैं कि ये लगभग सामान्य है यहाँ पर। इस बीच जो तैनाती है, जो पुलिस फोर्स की का जो डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। जो बताया गया, जो पुलिस कप्तान है उन्होंने कहा है कि जो कार्यकर्ता है बंदी के दौरान जो जबरदस्ती बंद कराएंगे या जो तोड़फोड़ करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आप देख रहे हैं कि महागठबंधन के जो नेता है, कांग्रेस के जो नेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है, राष्ट्रीय महागठबंधन के जो दल हैं, जो गैर एनडीए दल हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं नया मोड़ पे। और जो किसान का जो आंदोलन है उसको इन्होंने समर्थन दिया है। और चूंकि ये केंद्र सरकार का बिल है इसी के कारण जो गैर एनडीए दल हैं, खास करके कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं आप बता रहा था कि जो बंद की स्थिति है झारखंड में, खास करके बोकारो में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप सीधी तस्वीरें आप देखिए, बंद नहीं है, स्थिति लगभग सामान्य है। लोग अपना जो रोजमर्रे का जो काम है वो कर रहे हैं। ट्रैफिक जो रोड पे है वो नॉर्मल है। और जो दुकानें आप देख रहे हैं यहाँ पर नया मोड़ में जो खुली हुई हैं, फोर्स की डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर, यानी कि जो प्रशासन है वो इस बंद से निपटने के लिए, अगर होता है तो फिलहाल बंद का कोई असर दिखता नहीं है, पूरी तरह मुस्तैद है। JTN लाइव के लिए बस इतना ही।